किसने कहा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है। मैंने अभी तक जो भी सीखा वो अपनी लाइफ से सीखा और जो भी बना हूँ इस बिजनेस से ही बना हूँ। इन 1984 कलकत्ता से मैं दीमापुर चला गया था काम सीखने के लिए कि प्लाईवुड कैसे बनती है। काम करते करते अचानक उसी समय अल्फा का प्रॉब्लम आ गया आसाम के अंदर में। हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी बिकॉज हम लोगों की फैक्ट्री के ठीक पीछे में ही उन लोगों का कैंप था। वी क्लोज डाउन दैट फैक्ट्री एंड केम बैक टू कलकत्ता। कमिंग बैक टू कलकत्ता अगेन आई एम ब्लैंक व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनी फंड ऑल्सो टू स्टार्ट बिजनेस इन अ बिग वे। इसी बीच ग्रीनप्ले इंडस्ट्रीज हम लोगों का जिसको मैं जानता था वो कलकत्ता यहाँ आए थे एंड ही ट्रस्टेड मी एंड बट बिजनेस स्टार्ट हुआ। प्लाईवुड फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज के अंदर में ये कंपनी ने ही मार्केटिंग कैसे होती है सबको सिखाया और चूंकि मैं भी उस समय ही अपना बिजनेस को डेवलप कर रहा था तो यू नो दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता गया और कुछ वो भी हमसे समझते गए कि वीनियर कैसे बनता है क्या है। तो दोनों के आपस के तालमेल से वो तो बड़े ही बड़े मैं भी बहुत बड़ा। जब शुरू शुरू में आया था तो 4-5 जन मेरे फर्म में काम करते थे। आज के दिन मेरे अंडर में 38-40 आदमी काम करते हैं। स्टाफ के अंदर में एक ओनरशिप है कि उनका मेरे को इतना विश्वास है मेरे एम्प्लॉय जैसे ही कोई गलत होगा तो मैं तो बाद में भड़कूंगा लेकिन वो पहले भड़के क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूँ। आज के दिन अगर मैं कहीं बाहर भी चला जाता हूँ तो मेरे को 1% भी चिंता नहीं रहती है कि हाउ माई रिटेल शॉप और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विल रन। आई हैव 100% कॉन्फिडेंस एंड वो एक विश्वास जो होता है वो मेरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर 100% है। अभी तक जैसा भी चला जो चला अच्छा चला मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माय वाइफ मेरे तकलीफ में आराम में हमेशा मेरे साथ में थी एंड स्पेशली शी ओनली टुक केयर ऑफ माय किड्स। मैं तो कभी कुछ ख्याल ही नहीं रखता था अपने बच्चों का। दूसरा मेरे दो मेंटर्स हैं जिन्होंने मेरे को बिजनेस कैसे किया जाता सिखाया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड ग्रीनप्लाई हु ट्रस्टेड मी।